नमस्ते दोस्तों, जोधपुर इंडिया माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से रेखा धनकानी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वाणी के बारे में। वो वाणी जिस वाणी से हम जिंदगी में सुखी होते हैं या हम दुखी होते हैं, या हम आसमान पर बिठा दिए जाते हैं या हम जमीन पे गिरा दिए जाते हैं। या तो हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सरलता से आसानी से मिलती हैं या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, कभी-कभी आपने देखा है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी डिग्री है, बहुत सारे गुण हैं, पर फिर भी वो सम्मान नहीं, वो इज्जत नहीं। वजह? उनका बोलने का ढंग। और बहुत बार बहुत कम पढ़े लिखे लोग अच्छे पद पर, अच्छे पदाधिकारी, एक अच्छी जगह पर वो होते हैं। वजह? वजह उनकी वाणी, उनकी मिठास, उनके अंदर वो सत्य जो औरों को खींचता है। कभी-कभी आपने देखा है कोई रेस्टोरेंट या कोई शॉप, कोई मेडिकल शॉप इतनी अच्छी चलती है और वहीं एक पास में शॉप पे कोई नहीं जाता। वजह? इंसान का वो वाणी, वो बोलने का ढंग, वो अपनी ओर खींचने का तरीका। हम वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ हमसे अच्छी तरह बात करते हैं लोग। दोस्तों, कभी-कभी हमारे पास कोई आता है तो हमें उनके साथ घंटों बैठने का मन करता है। और कभी-कभी कुछ लोगों के पास जाने से या वो आते हैं तो लगता है हमारा दिन खराब हुआ। वजह? वजह सिर्फ एक ही है, बोलने के ढंग। इस बोलने के ढंग से कितने घरों में कितने मनमुटाव हैं, कितने भाई भाई आपस में लड़ते हैं। कई बार अच्छी अच्छी नौकरियों से हमें जाना पड़ता है, कई बार अच्छी नौकरियां भी हमें बोलने से ही मिलती हैं। दोस्तों, हमारे बोलने के ढंग से पूरी जिंदगी का पूरा हमारा व्यवहार जो है, पूरा निष्कर्ष जो लाइफ का निकलता है, हमारे बोलने के ढंग से हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कई बार हम लोगों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों मरना तो एक दिन सबको ही है, कई बार हम जाते हैं तो एक ही तो शब्द सुनते हैं, यार कितना अच्छा इंसान था वो। ये वो क्या है, ये उसके जीवन की कमाई है दोस्तों। और कई बार कोई इंसान चला जाता है तो हम कह नहीं पाते, पर भीतर जरूर कहते हैं कि यार अच्छा हुआ वो गया। निकलता है क्यों? क्योंकि उसने उस व्यवहार, उस वाणी से किसी के मन को नहीं जीता था, किसी के दिल को नहीं जीता था। दोस्तों, सब यहीं रह जाने वाले हैं, हमारे घर, हमारे जेवर, हमारे पैसे, हमारे संबंध, हमारे परिवार। सिर्फ एक ही व्यवहार, एक वाणी जो पीछे रह जाती है, वो याद कि यार इंसान बहुत अच्छा था। दोस्तों, हमारे भीतर कुछ गुण, कुछ बातें होनी चाहिए जो किसी के अंदर सालों तक एक छाप छोड़ जाए। कई बार हम किसी को कुछ शब्द बोलते हैं, वो सालों तक छप जाते हैं, चाहे वो अच्छे शब्द हों चाहे वो बुरे शब्द हों। दोस्तों, किसी को कड़वे शब्द ना बोलो जो सालों तक एक छाप छूट जाए इंसान की, वो मरने तक याद रहे। कभी भी बहस में, बातों में नहीं उलझो। मौन मौन रह के भी बहुत सारे हल को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, हम जो भी बोलते हैं, हमारे अंदर की मनस्थिति हम दर्शाते हैं कि हम इस तरह के इंसान हैं। उस व्यवहार, उस वाणी से लोग हमें पसंद करते हैं या नफरत करते हैं। जब बोलना ही है तो हमारे मुंह से अच्छा क्यों ना निकले, लोगों को सुकून क्यों ना दे। दोस्तों, जीवन तो एक ही मिला है, वो तो हमें सोचना है कि हमारे किस तरह लोगों से बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है कि हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद कर पाएँ। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों।